गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोने कनाल यूपीएस मुकाम से क्लास 8th की इंग्लिश की मैंने आज पोइम ली है पोरस एंड हिज एलिफेंट। तो ये है, एक किंग है पोरस और उसके हाथी के बारे में स्टोरी है ये। ठीक है, पोइम है लेकिन ये मतलब स्टोरी को एक पोइम के की तरह दिखाया गया है इसमें। ठीक है, तो ये है इसकी पोरस एंड हिज एलिफेंट, पोरस के बारे में और उसके हाथी के बारे में है। एक स्टोरी को एक पोइम में चेंज किया गया है और उसका पोइट है, उसकी पोइट लिखने वाली है, उसका नाम है मैरी डॉब्सन। इन्होंने लिखा है ये पोइम पोरस एंड हिज एलिफेंट। तो इस पोइम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन बताऊंगी। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ द किंग पोरस एंड हिज एलिफेंट। ये इस पोइम में एक स्टोरी बताई गई है किंग पोरस और उसके हाथी के लिए, कि किस तरह जो हाथी है वो अपने किंग को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देता है। कि जो एनिमल है, देखो जो एनिमल होते हैं वो फेथफुल होते हैं, ठीक है, जो उनके साथ प्यार से बर्ताव करता है, तो जो एनिमल्स होते हैं वो उनके साथ फैमिली की तरह बिहेव करते हैं, वो फेथफुल हो जाते हैं, विश्वास करते हैं उनके ऊपर। तो जो एलिफेंट था वो भी पोरस का वफादार था, तो जंग में उसने अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे दी थी। तो ये है इसकी इंट्रोडक्शन कि इट इज स्टोरी ऑफ द किंग पोरस एंड हिज एलिफेंट। तो इस पोइम में क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। दिस बैलड, बैलड का मीनिंग क्या होता है? बैलड होता है अ पोइम और अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। ठीक है, एक पोइम होती है या कोई गाना होता है, बैलड किसे बोलते हैं हम, एक पोइम है या एक कोई गाना होता है उसको हम, उसमें एक स्टोरी को हम, स्टोरी में को हम छोटे छोटे स्टांजा में तब्दील कर देते हैं, शॉर्ट स्टोरी में। ठीक है, ए पोइम और ए सॉन्ग रेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टंजास। अगर हम पोइम में, अपनी पोइम में या अपने सॉन्ग में किसी स्टोरी को हमने सुनाना है तो उसके छोटे छोटे हम स्टांजा बना लेते हैं, पैराग्राफ बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं बैलाड। दिस बैलाड गिव्स एन अकाउंट ऑफ एन एलिफेंट दैट सेव्ड द लाइफ ऑफ इट्स वाउंडेड मास्टर ऑन द बैटल फील्ड। ये जो बैलाड है, बैलाड मीन्स एक शॉर्ट स्टोरी है एक, ठीक है, जो कि पोइम में हमने चेंज की हुई है। किसने? मैरी डॉब्सन ने एक स्टोरी को पोइम में बताया गया है, मतलब पोइम में वो एक स्टोरी बता रही है। ठीक है, अपनी पोइम में वो एक स्टोरी बता रही है कि पोरस और उसके एलिफेंट की, किस तरह से एक हाथी जो है वाउंडेड मास्टर, मतलब जिसका जो मास्टर है, जो उसका मालिक है, वो जख्मी हो गया हुआ है, उसकी लाइफ को बचाता है किसमें, बैटल फील्ड में, लड़ाई के जंग में, जंग के मैदान में। ठीक है, जंग के मैदान में किस तरह वो अपने जख्मी मास्टर को बचाता है, एक उन हाथी, वो इस पोइम में बताया गया है। बैलाड मीन्स एक पोइम है जिसमें स्टोरी बताई गई है शॉर्ट स्टैंजा से, छोटे छोटे पैराग्राफ से। द एलिफेंट फेसेस डेथ इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ द पोरस। जो एलिफेंट है वो, उसकी डेथ हो जाती है अपने मालिक को, अपने राजा पोरस को बचाने के लिए। इट्स शोज एग्जाम्पलरी लॉयल्टी एंड करेज। मीन्स इसमें बताया गया है किस तरह से जो एलिफेंट है वो एक तो ईमानदार होता है, अपने मालिक का वफादार होता है, और बहादुर होता है, करेज द बहादुर। एनिमल्स लाइक द एलिफेंट कैन एक्सप्रेस देयर इमोशंस बाय क्राइंग और ग्रास्पिंग जस्ट एज ह्यूमन डू बाय एक्सप्रेशन देमसेल्फ इन वर्ड्स। देखिए, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी फीलिंग्स किस तरह बता पाते हैं, बोल के बताते हैं कि उनको दुख हो रहा है या वो खुश हैं या उनको लग रही है या उनको वो वफादार हैं किसी के, तो वर्ड से आप बोल के बताते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स अपने इमोशंस किस तरह बताते हैं, चिल्लाते हैं, या तो अगर उनको गुस्सा हो रहा था तो वो घुर्राते हैं, या उनको कोई दुख हो रहा था वो चिल्लाते हैं, या उनको कुछ चीज़ फील हो रही है तब भी वो चिल्लाते हैं। और गैस्पिंग मीन्स इधर उधर मतलब भटक के अपना गुस्सा निकाल के अपने आप को झाड़ के, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस हैं वो अपना जो इमोशंस हैं वो बताते हैं बोल के। तो इसमें पोइम में यही है कि किस तरह से एक एलिफेंट है वो अपने मालिक के लिए, अपने राजा के लिए फीलिंग्स महसूस करता है और उसको बचाने के लिए लास्ट में वो खुद ही अपनी जान दे देता है। तो हम ये पोइम स्टार्ट करते हैं, ये इसके स्टांजा हैं।
Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. Hear ye, ye means you, ठीक है, hear का मतलब सुनो, listen. Hear ye a tale, hear you means, ye means you, कि तुम. Hear ye a tale, tale हो गया story, of the days gone by. मैं आपको इसमें जो पोइट है मैरी डॉब्सन वो बोलती है कि इधर आओ, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ पुराने दिनों की, कि जो दिन चले गए हैं मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ. हियर ही अ टो ए हियर ही अ टेल ऑफ द डेज गॉन बाय, आओ तुम, अ टेल ऑफ द डेज, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि दिन चल पुराने दिनों की, पुराने दिनों की मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ. हेयर मीन्स सुनो, ही मीन्स यू. डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड स्कैंट, मैं उन दिनों की स्टोरी तुम्हें सुनाती हूँ जिन दिनों में रिकॉर्डिंग नहीं होती थी. आज क्या करते हैं हम लोग, आज कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है, तो हम उसकी वीडियो बना लेते हैं. लेकिन आज से कई सालों पहले पुराने समय में ऐसी चीज नहीं होती थी, रिकॉर्डिंग्स किसी चीज की नहीं होती थी. आजकल किसी की लड़ाई होती है, जंग लड़ जाते हैं, तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है. ऐसे पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था. तो पोइट बोलती है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी बीते दिनों की, जो दिन बीत गए हैं उन दिनों की, जिन दिनों में जो रिकॉर्डिंग थी वो बहुत रिकॉर्ड नहीं होती थी, शॉर्ट एंड स्कैंट. अगर रिकॉर्डिंग होती भी थी तो वो छोटी होती थी, बिल्कुल शॉर्ट मीन छोटी, और स्कैंट होगी लिटल, ठीक है, बिल्कुल छोटी रिकॉर्डिंग होती थी. मैं हम उन दिनों की बात सुनाती हूँ जी, मतलब हमारे एंशियंट टाइम की, ये पोइट बोल रही है. दिस इज अ टेल दैट कैन नेवर डाई, मैं आपको ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जो कि कभी खत्म नहीं होती है. टोल्ड ऑफ अ किंग एंड हिज एलिफेंट, आपको एक राजा की और उसके हाथी की कहानी सुनाऊंगी, जो स्टोरी कभी भी खत्म नहीं होती है, और वो उन दिनों की स्टोरी है जिन दिनों पे रिकॉर्डिंग जो थी बहुत ही कम होती थी, मतलब रिकॉर्डिंग होती ही नहीं थी, ठीक है. तो मैं आपको ये पैराग्राफ दोबारा पढ़ती हूँ. हेयर ई अ टेल ऑफ द डेज गोन बाय, बोल रही है आओ सुनो, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो पीछे बीते हुए दिनों की, एक जो दिन जो टाइम निकल गया है पुराने दिनों की, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड स्कैंट, उन दिनों की स्टोरी सुनाते हैं जिन दिनों पे रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, अगर होती थी तो बिल्कुल कम होती थी. दिस इज अ टेल दैट कैन नेवर डाई, मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जो कि कभी खत्म नहीं होती है. टोल्ड ऑफ अ किंग एंड ए एलिफेंट, एक राजा और उसके हाथी की कहानी है. देखिए पैलेस स्टैंजा है, पैलेस स्टैंजा में ये मीनिंग निकल के आते हैं. हेयर, हेयर मीन्स लिसन, सुनो. ये मीन्स यू, तुम. स्कैंट मीन्स लिटल. तो इसमें जो है राइमिंग वर्ड्स निकल के आते हैं आपके, ठीक है. देखिए राइमिंग वर्ड्स निकल रहे हैं इसमें, बाय, डाई. राइमिंग वर्ड्स मीन्स हैविंग सेम साउंड, वर्ड्स अलग अलग होते हैं लेकिन उनकी साउंड जो होती है बिल्कुल सेम होती है. बाय, डाई, ठीक है. स्कैंट, एलिफेंट, तो ये हैं इनके राइमिंग वर्ड्स, बाय, डाई, स्कैंट एंड एलिफेंट. तो जो एक पोइम होती है इसमें हमें जो नेक्स्ट लाइन इसमें आती है इसमें राइमिंग वर्ड्स आते हैं इसमें, ठीक है. बाय, डाई, स्कैंट एंड एलिफेंट. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमारे दो राइमिंग वर्ड्स निकल के आते हैं, बाय, डाई, स्कैंट एंड एलिफेंट. नाउ सेक्स्ट स्टैंजा, नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा, आउट ऑन द प्लेन वेयर द वाटर गो, आउट ऑन द बैंक ऑफ द जहलम वाइड, पोरस द किंग वेंट टू मीट हिज फो, पोरस द किंग इन हिज बैटल प्राइड, ठीक है. क्या है, आउट ऑन द प्लेन वेयर द वाटर्स गो, मैं उस जगह की स्टोरी आपको सुना रही हूँ जो बिल्कुल प्लेन है, जहां पे पानी बहता है, ठीक है. पहले तो वो बोल रही है कि आओ मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, आपको एक राजा की और उसके हाथी की. वो ये उस जगह की स्टोरी है जहां पे बिल्कुल प्लेन जगह है, और वहां पे वेयर द वाटर्स गो, जहां से पानी
बहता है। आउट ऑन द बैंक्स ऑफ द जहलम वाइड, कि जो जहलम की जो रिवर है, जहलम जो रिवर है उसके किनारों पे बनी है, वो किनारों में के इर्द गिर्द बनी है ये कहानी। ठीक है, कि जो ये कहानी है उसमें जो जगह है वो बिल्कुल प्लेन है और वहां पे पानी बहता है और वो ये जहलम रिवर है उसके जो किनारे हैं, ठीक है, उसके जो किनारे हैं वहां पे ये कहानी बनी हुई है। पोरस द किंग वेंट टू मीट हिज फो, जो पोरस किंग है वो अपने दुश्मन से मिलने जाता है, फो होता है एनिमी। ठीक है, जो किंग पोरस है वो अपने दुश्मन से मिलने जाता है। पोरस द किंग इन हिज बैटल प्राइड, जो पोरस है वो उसका क्या है, बैटल प्राइड मीन्स जो उसकी मार्शल ग्लोरी है, जो जिस जंग में वो माहिर है। ठीक है, तो वो जंग लड़ने के लिए गया हुआ है, वो एनिमल अपने दुश्मन से मिलने के लिए गया हुआ है। कहाँ मिलने के लिए गया है, वो ऐसी जगह पे मिलने के लिए गया है जहां पे बिल्कुल प्लेन जगह है वो और वहां पे पानी बहता है, वो है जहलम रिवर उसके किनारे में। ठीक है, जो जहलम रिवर है उसके किनारे पे वो अपने दुश्मन से, फो मीन दुश्मन से मिलने के लिए गया है। और पोरस द किंग इन हिज बैटल प्राइड, तो जिस जंग में वो माहिर है वो जंग लड़ने गया है, कौन, पोरस द किंग। तो ये पोरस किंग की कहानी है कि वो जंग लड़ने गया अपने दुश्मन के साथ, अपने एक हाथी को लेकर कहाँ पे गया है, वो जहलम रिवर के किनारे, जहलम रिवर जो है उसके किनारे पे वो लड़ने के लिए गया है। ठीक है, तो ये इसमें देखिए, इसमें वर्ड मीनिंग है इसके तो निकलते हैं फो, फो मीन्स एनिमी दुश्मन, बैटल प्राइड मीन्स मार्शल ग्लोरी, जिसमें जिस चीज में जिसको महारत हासिल होती है। जिसके दो राइमिंग वर्ड निकलते हैं गो फो, ठीक है, गो और फो हैविंग सेम साउंड, वाइड प्राइड, ये इसके दो राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम दो ही स्टांजा पढ़ेंगे इसके, मैं इसके दोबारा रिपीट करती हूँ आपको। हेयर ये अ टेल ऑफ द डेज गॉन बाय, डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड स्कैंट, दिस इज अ टेल दैट कैन नेवर डाई, टोल्ड ऑफ अ किंग एंड हिज एलिफेंट। कि आओ मैं आपको एक हेयर सुनो आप, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ उन दिनों की जो दिन चले गए हैं, डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड स्कैंट, उन दिनों की स्टोरी है जिन दिनों में रिकॉर्डिंग जो है बहुत ही कम होती थी। दिस इज अ टेल दैट कैन नेवर डाई, एक ऐसी स्टोरी है जो कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी मरती नहीं है, मतलब आज से कई सालों बाद भी इस स्टोरी को सुनाया जाएगा। टोल्ड ऑफ अ किंग एंड हिज एलिफेंट, एक राजा है और उसके हाथी की ये स्टोरी है। आउट ऑन द प्लेन वेयर द वाटर्स गो, उस जगह की स्टोरी है जहाँ पे बिल्कुल प्लेन जगह है और जहाँ पे पानी बहता है। आउट ऑन द बैंक्स ऑफ द जहलम वाइड, जो जहलम रिवर है उसके किनारे पे ये कहानी रची गई थी, वहाँ उस पर कहानी लिखी गई थी, ये वहाँ पे ये सब कुछ हुआ था। पोरस द किंग वेंट टू मीट हिज फो, जो पोरस किंग है वो अपने दुश्मन से मिलने के लिए गया था कहाँ पे, जहलम रिवर के किनारे पे। पोरस द किंग इन हिज बैटल प्राइड, और पोरस को जंग में महारत हासिल हुई है कि वो जंग जो है कभी हारता नहीं है। ठीक है, तो आज हम दो ही स्टांजा रखेंगे, कल मैं आपको इसका थर्ड स्टैंजा पढ़ाऊंगी। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन है, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ द किंग पोरस एंड हिज एलिफेंट। तो ये वर्ड मीनिंग है कि बैलड क्या होता है, बैलड एक पोइम होती है या कोई गाना होता है जिसको जिसके जिसमें स्टोरी को हम शॉर्ट स्टैंजा में दिखाते हैं। और फर्स्ट इसके मीनिंग है हेयर लिसन ये यू स्कैंट एंड लिटल, और फर्स्ट स्टैंजा में आपको दो राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं बाई डाई स्कैंट एंड एलिफेंट, और सेकेंड स्टैंजा में आपको वर्ड मीनिंग है फो एनिमी, फो का मतलब होता है एनिमी, बैटल प्राइड मीन्स मार्शल ग्लोरी, कि जिस जंग में जिसको महारत हासिल हुई हो, मतलब उसको उस पर खासियत हो। उसमें दो राइमिंग वर्ड्स हैं गो और फो, वाइड एंड प्राइड। तो बच्चों प्लीज़ आप ये दो स्टांजा जो हैं इनको ध्यान से, मेरी वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और दो स्टांजा को ध्यान से समझ लीजिएगा, कल मैं आपको आगे इसके दो आगे और स्टांजा पढ़ाऊँगी। थैंक यू।